ये यहाँ पे कराची का शहर है, इसमें पहले तो ये कराची का देखें, यहाँ पे पुरानी किताबें जितनी थी इन्होंने रखी हुई, और यहाँ पे इस तरफ भी सारी पुरानी किताबें आने लगती। ये देखें कचरे के ढेर थे यहाँ पे। ये मेन याद रखें कि ये सदर का इलाका है जो सबसे मशहूर है, और कराची का सेंटर है। इस पर ये सफाई की सूरत हाल देखें, ये प्यारा हमारा पाकिस्तान है, उसकी कराची का जो शहर है इंडस्ट्रियल, उसमें सफाई है देख लें, कोई आमला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सफाई नहीं की जाती। और यहाँ पे भी इसी तरह देखें कचरा ये पड़ा हुआ, ये यहाँ पे इसी तरह। और इसके बाद आगे भी पुरानी किताबें जिस हर किस्म की यहाँ से मिल जाएंगी, जो भी दुनिया के मुख्तलिफ मौजूदात हैं उन पर किताबें, पुरानी किताबें यहाँ पे सारी रखी हुई हैं। यहाँ से ये सदर का इलाका, उसमें मैं दो तीन होटल्स में रह चुका हूँ यहाँ पे, और इस तरफ मैं अब सुबह पहले आया था, 9 बजे तक निकला हूँ, लेकिन वहाँ पे दुकानें सारी बंद थी, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी। तो आप तकरीबन 10:30 बजे हैं यहाँ पे, और ये देख लें कराची का शहर है और सदर का इलाका है, इसमें अभी भी दुकानें बहुत सी जो हैं बंद हैं यहाँ। तो सुबह मैं वॉक करने के लिए निकला 9 बजे तक, उस वक़्त तो बिल्कुल ही कुछ भी ना ट्रांसपोर्ट थी या ना यहाँ पे कोई चीज़ें थी, और बिल्कुल दुकानें बंद थी यहाँ। अब इसके बाद 10:30 बजे तकरीबन मैं निकला, तो अब कुछ थोड़ी दुकानें तो बहरहाल बंद ही हैं, कोई अक्का दुक्का दुकानें खुली और ट्रैफिक थोड़ी यहाँ पर शुरू हुई है। और कराची का ये मेन जो है देखें सदर का इलाका, लेकिन इसमें सफाई की सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं कि जगह जगह कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। कचरे को सफा करने साफ करने के लिए अमला कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ। इस तरफ दुकानों के सामने भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, और क्योंकि मेन ये सदर का इलाका, जब इसका यह हाल है तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी कराची का क्या हाल है। इक्का दुक्का ट्रैफिक अब शुरू हो गई है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये सफाई और ये पिलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन इनका मकसद कोई है नहीं, जैसे ये लगाए हुए हैं यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए शायद। अब यहाँ पे कुछ ट्रैफिक हो गई है, चल पड़ी, इसके बाद फ्रूट मुझे बहुत अच्छा, ये कराची की सूरत हाल देखी है सफाई की, मुझे क्योंकि फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी तलाश में हूँ कहीं से मुझे मिले, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे ये सबसे साफ़ शहर कराची का साफ शहर देखिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ दुकानों पर हफ्ता वफ्ता उसके लिए खुली हुई और के बाद यहाँ पे ये सारी सफाई, यहाँ पे इस तरफ से मैं जाता हूँ देखो, ये अक्का दुक्का दुकान है, ये एक नाश्ते की है यहाँ पे इस तरफ चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये अक्का दुकान है, रास्ते वाले वही चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो है मौसम बहुत अच्छा है आज, हवा अच्छी चल रही है, समुंदर की हवा, और टेम्परेचर बहुत अच्छा है, तकरीबन बादल भी थोड़े से आए हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा मौसम है। लेकिन ये है कि कराची वाले सो रहे हैं, किस्मत में अच्छा मौसम शायद नहीं है, वो जब धूप निकल आएगी 1-2 बजे तक शायद उस वक्त ही उठेंगे, दुकानें भी उसी वक्त खुलेंगी, क्योंकि मुझे पता चला है तकरीबन 1 या 2 बजे तक दुकानें यहाँ खुलती हैं। इसके बाद ये वही खाने वाले जो है अच्छा दिखा वो खुलेंगे, इसके अलावा सारी दुकानें यहाँ पर आगे
ये थोड़ी बहुत ट्रैफिक यहाँ पे जमा जमा हुई है, इसके बाद पहले तो बिल्कुल ही। और इस तरफ क्रॉस करते हैं इसको, इस तरफ से निकालते हैं। ये देखो ये खाने पीने के खाने इसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह लोग बैठे हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे सफाई की सूरत हाल, देखिए कितना साफ सुथरा शहर है कराची। आगे देखो पानी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है अच्छा खासा, और ये इस तरफ साफ सुथरा है कराची का। देखो कोई मैंने सुबह से मुझे तकरीबन 9 बजे भी आया था, उस वक्त तो कोई फी नहीं ट्रैफिक भी नहीं थी यहाँ पर, और सफाई का मामला बिल्कुल मैंने कहीं नहीं देखा। आगे कुछ नज़र आ रहा है मुझे, एक दो बंदे झाड़ू लगा रहे हैं, इधर तो मुझे देख लेना तो सारा मुझे पड़ा हुआ साफ सुथरा शहर, और दुकानें सारी बंद हैं तकरीबन। ये इस तरफ मैं रिगल चौक की तरफ से आया था, और ये दूसरा सदर का जो मेन एरिया है वो है। अच्छा कुछ हमला मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं, आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इस तरफ पीछे देखें ये सारा साफ सुथरा शहर, ये इधर सफाई देख लें, और यहाँ पे आगे इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा कचरा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर भी, बहुत ही ज़्यादा। और ये कि काफ़ी स्मेल भी है यहाँ पे, बदबू काफ़ी आ रही है। ये सारा किनारे अच्छा ये अमला देखो वो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो साफ़ किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा सा बस कचरा उठा लेगा तो बाकी इसके बाद ये चलेगा, और ये इसके बाद यहाँ पे भी इसी करेंगे। इसके बाद आगे इसका मेन शहर शुरू हो जाता है। ये देखो सफाई यहाँ पे, ये भी ढेर लगा हुआ है, ये ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पता नहीं कब उठाएंगे सारा कचरा, यानी जगह ही जगह है बहुत ही ज़्यादा। अब इस्लामी मुल्क है और उसमें सफाई का निज़ाम नहीं था। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे, और मैं आया था यहाँ पे पाकिस्तान में वोटिंग की थी, तो उसके दौरान मैं कुछ वीडियोस बनाई, लेकिन नामालूम अफराद ने वो वीडियोस को लीक काफ़ी, उसके बाद फिर मैं नहीं बना सका कोई वीडियो, तो उसके बाद अब मैंने यहाँ पे कराची में आकर दूसरा कैमरा उसमें से कुछ कर रहा हूँ बना रहा हूँ। ये सुबह सुबह हजूर वाले भी आ गए हैं यहाँ पर, और सफाई वो देखो बहुत ही ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा सफाई है तारीफ करना पड़ेगा। और इसके बाद ट्रैफिक अभी थोड़ी बहुत रवा रवा हुई है, आगे कुछ ये है कि उन्होंने रास्ते काफ़ी बंद किए हुए, कुछ मेरा ख्याल है प्रोटेस्ट भी है कुछ पार्टीज का। और इसके बाद ये आगे से वो देखें सड़क बंद की है उन्होंने थोड़ी सी, सीधा जो रास्ता जा रहा है वो बंद कर दिया ना, मेरा ख्याल दूसरा रास्ता मुझे लेना पड़ेगा। अब ये पता नहीं मैं जब 9 बजे आया था रास्ता खुला हुआ, अब ये लोगों ने बंद किया, तो वो चूँकि आगे लोगों को छोड़ भी नहीं रहे तो मुझे रास्ता अपना चेंज करना पड़ेगा, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ देखता हूँ। देखो वहाँ से बंद किया उन्होंने, नहीं छोड़ रहे, पुलिस भी खड़ी हुई है और लॉक किया हुआ, पहले सुबह 9 बजे था ये खुला हुआ, अब ये बंद कर दिया उन्होंने। दूसरी तरफ से देखता हूँ, अब तकरीबन 11 बजने वाले हैं यहाँ पे,
तरफ से यहाँ से देखते हैं शायद वो रास्ता खुला हो। ये इस तरफ ये जो आगे ही अगर उस तरफ मैं सीधा चला जाता तो वो ज़ैनब मार्केट का रास्ता है, लेकिन चूँकि वो बंद है तो मैं दूसरे तरफ से जाता हूँ। इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पे अपना ये जो दुकान है ना, जो शॉप है, जो मेरे खाली बड़ी है, वो तो काफ़ी देर बाद ही खोलेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सफाई रोटी है पहले चल रहा है। पहुँचा हुआ है वो अपना सारा जो है दुकान उसका हिस्सा साफ कर रहे हैं, बाकी भैया खाड़ गए वो उनको उससे कोई गल नहीं। इस तरह से मैं देखता हूँ शायद रास्ता खुला हो। ये तरफ से मैं आया था, अच्छा ये किसी से सफाई की तरह जो है ले जाने वाले ट्रक वैसे ही जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, इसमें कोई सफाई है। ये एक और ट्रक भी आ रहे हैं, ये भी खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, इसमें कोई सामान वामान नहीं। हाँ ये ना किस तरफ से मैं खुला हुआ रास्ता उधर से देखता हूँ, थोड़ा इन्होंने सफाई यहाँ की हुई है, इस तरफ कुछ सफाई की हुई है, क्योंकि जब 9 बजे में आया था उस वक्त तो नहीं था, कुछ हमला आया यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ सही किया। ये इस तरफ भी सारे होटल जो हैं यहाँ पे, और आगे नहीं जाता उस तरफ से रास्ता खुलेंगे। इतना काम सिंगे पुकार लग गया है, सलाम वालेकुम सिंगे नोखे जोड़। ये कुछ बेचारे काम कर रहे हैं, सुबह आ जाते हैं जल्दी, टूट मरम्मत वगैरह का काम करते हैं, और रिक्शे वाले भी आ गए हैं। इस तरह से मैं दिखाता हूँ आप, काफ़ी लोग नाश्ता अभी कर रहे हैं, 11 तकरीबन हो गए हैं यहाँ पे, 11 बज गए। ये मशहूर यहाँ पे अरमैन होटल है, उसके बाद सागवान होटल है, और ये इस तरफ आगे जो है वो जैनब मार्केट के उस तरफ से मैं जाना चाह रहा था, वो बंद है रास्ता, तो इस तरफ से आया। बसें भी अब शुरू हो गई है यहाँ पे, इसके बाद आगे के मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये इसकी जो है वेकेंट पार्सल उसकी दुकान यहाँ पर। पानी आगे तो बहुत बराब है, पता नहीं उधर नदियाँ भी बनी हुई है। ये देखिए इधर पानी मतलब ऊपर से बह रहा है, वहाँ से जो तो प्लाजा है ना वहाँ से पानी बह रहा है। रेस्टोरेंट में नाश्ता वास्ता भी कर रहे हैं काफ़ी। ये देखें ये सारा पानी वन इस पर आया हुआ, और ऊपर जो नहीं है वहाँ से, और ये कुछ जो है वो स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं यहाँ पे, वो अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। ये बाद ये जो है ये हिस्सा जो है इससे पानी वानी सारा गिर रहा है, और ये नीचे सारा पानी भरा हुआ है, इस तरफ जो है ये इस तरफ भी सारा पानी है, और ऊपर ही से इमारतों से गिर रहा है। ये ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से कोई लीकेज है, पता नहीं क्या पानी खुला हुआ ना। ये पेट्रोल पम्प आगे उसमें वो अपना काम अभी उन्होंने शुरू किया, लोग आए पहले नहीं, आगे जाते हैं देखते हैं कुछ मार्केटें वो खुली हुई हैं कि नहीं, उनको देखते हैं। उसके बाद ये मार्केट है, उम्मीद है कि शायद खुला हाँ, कुछ आ गई रेडियो भी आ गई यहाँ पे, ये भी आ गया फ्रूट है, 10 किलो पसंद है, 10 बजे ज़्यादा कम मजा है, 200 किलो पसंद है, 6 बजे वो सरा वो से हाँ सही है, बस दाख़ार आज़म जा पाऊँगा मेहरबानी।
ये भी इसके बाद भी अखरोट है सारे, मेरे सवाद से लेके हैं। और ये देखें, ये सफाई भी देख लें, यहाँ पे सफाई सफाई खूब है, कितना साफ सुथरा देखें शहर है। यहाँ पे आगे आगे इस तरफ भी ये कुछ गैरेज हैं, ये होटल है इस तरफ, ये देखिए ये होटल है। और ये दुकानें बंद है सारी, दुकानें सारी बंद, होटल बस सिर्फ खाने पीने के लिए तो थोड़ी खुली है, बाकी सारे बंद है। पार्किंग इन्होंने बनाई है इस तरह, यहाँ जिस तरह मर्जी खड़ी कर दो, यहाँ पे मेरा खाने अलाउ नहीं है और साफ सुथरा शहर है। यहाँ पे भी आगे खाने पीने की दुकानें खुली हैं और सारी बंद, फ्रूट वाली रेड़ियाँ अब आ गई हैं, क्योंकि 11:30 तो हो गए हैं। अभी इधर से देखता हूँ कुछ मुझे फ्रूट, हाँ केले भी नज़र आ गए। यहाँ से थोड़ी सी अंदर शहर किया, क्योंकि अब टाइम तकरीबन 11:45 हो गए। केले यहाँ देखता हूँ आगे सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं केले? ले लो। किस तरह दर्द? 200 से 150 दे दो आप। 200? अच्छा, ये और जगह 100 है आपके पास? 200 से किए बोले, जापान से तो नहीं आए? जापान से तो नहीं आए? जापान वाला। अच्छा, पाकिस्तान से माल गया। अच्छा, ये आखिरी कितने के देंगे? 100 का नहीं लगाना। चलो फिर आगे देखते हैं। अभी आप आए हैं ना सुबह सुबह? अभी हाँ, तो सफाई साफ सुथरा है, साफ सुथरा है। तो मेरा ख्याल है वो चाट बनाते हैं, उधर से बेचेंगे मुझे केले। नाश्ता कर रहे हैं, ये मोस्ट क्लीन भी है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कुछ खिलाफ है, उसको बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आगे यहाँ पे कराची की तो बड़ा एडवांस है पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, तो यहाँ या मर्द या खवातीन का इतना ज़्यादा वो नहीं है, खवातीन भी फिर रही होती हैं आज़ादी से, इसलिए वहाँ बैठी हुई खवातीन की, लेकिन उनके मैं वीडियो नहीं बनाता। अब दुकानें पीने के सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे खुली हुई, और दुकानें बंद। नाश्ता अब इनका हो रहा है, कराची वालों को 11:30 ये वही पहुँचा रहा था, फिर का नाश्ता होता। ये खूबसूरत शहर साफ सुथरा, आगे जो गलियाँ हैं उन गलियों में तो बहुत ज़्यादा वो बंद भी है और बदबू उसमें बहुत है, उस तरफ तो मैं नहीं जा रहा। तो इधर ही मैं थोड़ी देर बाद एक गली आपको दिखा देता हूँ, कितना साफ सुथरा शहर है देखिए आप, उसमें इतनी बदबू नहीं है, थोड़ी खुली है। ये देखिए सारी वो गली उस तरह भरी, आगे से ये देख ले इस तरफ ये कपड़े वपड़े की दुकान, ये भी कपड़ा खुला जो है देख रहे हैं, ये भी नाश्ता कर रहे थे। आगे कुछ सारे कपड़े ही रखा हुआ है इस तरफ से, आगे तो देखता हूँ मैंने और आपको कुछ दिखा सकूँ। सारा ये कपड़े की दुकानी है और जिसे पानी आज का तो फुटपाथ पर ही खोलेंगे, इस तरफ से वापस जाता हूँ। यहाँ से कुछ थोड़ा ले आगे
अभी तक चल रहे हैं, खिलाड़ी खाना खा के नाश्ता करके सिगरेट भी पी रहे हैं। इस तरफ ये सब्जी की दुकान है, साफ सुथरा शहर ये है कराची का।